हे गाइस, आज हम बनाने वाले हैं पेपर फ्लावर फॉर डेकोरेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेज को एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, एक बार फिर से ऐसे फोल्ड करेंगे। हम इसे ऐसे ही फोल्ड करते रहेंगे। आप कोई सा भी पेज ले सकते हैं इसके लिए, वो आपकी मर्जी है। ये देखिए, मैंने इसे फोल्ड कर दिया है और इसका वो फैन बन चुका है। ऐसे हमें इसको फोल्ड कर देना है और अब यहाँ पे हमें इसके बीच में स्टेपलर करना है। स्टेपलर कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इसके बीच में ऐसे करना है स्टेपलर, ऐसे करके ऐसे इसके मिड में करना है। ये देखिए, इसके बीच में स्टेपलर कर दिया है। ये देखिए, स्टेपलर कर दिया है हमने इसके बीच में, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, पहले इसे इस साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम इसे यहाँ से स्टेपलर कर देंगे ऐसे, और फिर दूसरी साइड से हम एक और पेज लेंगे। हमें दो पेजेस चाहिए इसके लिए। आप इसमें कलरफुल भी बना सकते हैं और मिक्स भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक और पेज ले लेते हैं, ये स्क्रैप में से हम एक और कोई सा भी हम पिंक ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक और पेज ले लिया है। हमें सेम टू सेम से ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। पहले कैसे फोल्ड करना है, पहले एक बार ऐसे, फिर ऐसे, ये देखिए हमने इसका भी ऐसे ही फोल्ड कर लिया है। अब सेम प्रोसीजर से हम इसको भी बीच में से स्टेपलर कर देंगे, ओके। और अब क्या करेंगे, पहले इस साइड से, एक ही साइड से करना है, कैसे करना है आपको ये देख लीजिए एक बार। अब आपको ये यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब पहले हम इसे ऐसे पेस्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ लेक, ओके। ये देखिए, ऐसे पेस्ट कर देंगे इसे यहाँ से, ठीक है। इसे यहाँ से कैसे पेस्ट करेंगे, इस साइड से स्टेपलर कर देंगे। ऐसे ही हमने इसे स्टेपल कर लिया है। तो देखिए गाइज, ये हमारा फ्लावर बनके रेडी हो गया है। ऐसे ही हम आप और भी बना सकते हैं, कुछ किसी भी कलरफुल पेजेस का लेके आप इसे आसानी से फोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। लाइक, अगर ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी, और अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ शेयर भी। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।